बिजली की समस्या से ग्रामीण है त्राहिमान। जिला पूर्णिया प्रखंड बायसी ग्राम पंचायत राज मीनापुर के पंचायत समिति सदस्य अब्दुल कलाम ने हमारे संवाददाता रिजवान आलम नूरी को अपने पंचायत की समस्या से रूबरू कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी यंग न्यूज। कानूनी यंग न्यूज से मैं रिजवान आलम नूरी आज मैं मौजूद हूँ पूर्णिया जिला के बायसी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज मीनापुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 में। आइए जानते हैं इसी क्षेत्र संख्या 25 से वर्तमान पंचायत समिति सदस्य अब्दुल कलाम से इनके पंचायत की समस्या। महोदय, कानूनी यंग न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। महोदय, आपके नजर पे पंचायत विकास को लेकर क्या कुछ समस्याएं दिखाई दे रहा है और क्या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? सर, आपको तो बोले जी, सबसे हम लोग यहाँ तो गरीबी इलाका है जी। जी जी, बाढ़ पानी में आदमी परेशान भी रहता है जी। यहाँ जो बिजली है, बिजली का सही ढंग से इसमें नहीं हो पा रहा, आदमी को नहीं दे पा रहा। क्यों? अच्छा, बिजली की व्यवस्था जो आपके क्षेत्र में है वो सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। थोड़ी सी भी अगर कोई हवा पानी हो, आए बिजली गया, उसके बाद फिर मिस्त्री को बुलाओ, पैसा दो मिस्त्री को, ये हमारा समस्या है। कितना कंप्लेन कर चुके हैं जैसा आपको यहाँ से लेकर के, अगर वो बोल भी रहा है जहाँ भेज रहे हैं तो वो भी हमको यहाँ मिस्त्री को कुछ पैसा दे करके ही काम करवाना पड़ता है। कोई निर्धारित मिस्त्री इस चीज के लिए इस क्षेत्र में नहीं है। नहीं है, जो आपके लोकल हैं वही आपकी सेवा दे पा रहे हैं। बिजली विभाग के कोई भी कर्मचारी नहीं आते हैं सर। महोदय, आपके नजर पे यहाँ मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना की क्या स्थिति है? क्या नल जल योजना से यहाँ के जनता को शुद्ध पेयजल मिल पा रहा है? जी नहीं। क्या कमी दिख रहा है समिति? हमारा जो जितना जल नल योजना का जो टंकी बैठाया चाहे पानी सप्लाई है सर, ये गो सही ढंग से नहीं चल रहा है। एक भी टंकी सही ढंग से नहीं चल रहा है। सरकार को सबसे पहले उसके जो संचालक हैं, यानी जिसको पंप संचालक कहते हैं आप, उनका मानदेय निर्धारित कर दे तो सब कुछ, सब सेवाएं सुचारू ढंग से मिलने लगेगा आपके क्षेत्र में। ये नहीं कर रहा है सरकार। ये ऐसा ऐसा आदमी ठेकेदार को चाहे कोई भी माध्यम से ये काम दे दिया, इसका अता ना पता है, वो बैठा करके चला गया है। जो मान के चलिए वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य को अगर कोई जिम्मेवारी है तो उसको भी सही ढंग से ठेकेदार उसका जिम्मेवारी नहीं देती है, दिया है। महोदय, आपका जो क्षेत्र है 25 नंबर, इसमें प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है और आपके नज़र से कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको आज तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला? देखिए सर, हम एक बात बोल रहे हैं आपको, जो हमारे जो हम अगला साल से जी 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 समिति बने, इस समिति की माध्यम से अभी कोई इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आदमी को लाभ नहीं मिल पाया है सर। तो शौचालय के क्षेत्र में भी कुछ विकास दिखने को मिल रहा है समिति? बहुत कम मात्रे में लोगों ने बनाया है सर। यहाँ आपके क्षेत्र में जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो आपके हमारे बच्चों को शिक्षा मिलती है आपके नजदीकी स्कूल से, तो क्या कभी आपने विजिट किया समिति महोदय कि बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार हो रही है आपके स्कूल में, और क्या उनको मध्याह्न भोजन पोशाक की राशि वगैरह मिल रहा है? भोजन तो मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, देख रहे हैं हम लोग, बच्चा कच्चा जाता है अपना कभी, मगर इसमें कुछ जो विद्यालय में मास्टर आती है कोई टाइम ढंग से आता है नहीं। अच्छा अच्छा, कोई सही समय पे नहीं आ पा रहे हैं जिससे बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है जी। महोदय, आप के पंचायत समिति सदस्य बनने के बाद इस क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ आपके माध्यम से? हमारे विकास अपना माध्यम से हम इतना तो नहीं कर पाए, दो चार को मनरेगा का काम किए, मनरेगा का काम जो किए तो मनरेगा का पेमेंट सही से निकलते नहीं, अभी भी हमारा 17-18 रुपया मनरेगा में फंसा हुआ काम पैसा, उठने दो टाइम फोटो करने बोलता है लेबर लेकर का, अभी अगला साल काम किए, इस साल दो टाइम शाम सुबह फोटो करने बोल रहा है, वैसे पैसा आएगा सर ना? उतना आदमी को कैसे ये कर पाएंगे? अगला बार भी पैसा दे करके काम करवा कर रास मिट्टी बोझे, और इस बार भी फिर काम कराने बोलता है, जब काम करा करके फिर दो टाइम हाजिरी भर। महोदय, आपके इस पंचायत में हिंदू भाइयों के लिए शमशान घाट तो है, लेकिन उस पर सवदागिरी निर्माण की ओर आपका ध्यान जा रहा है सर? जी, वो सब तो है नहीं सर, हम ये सब तो कंप्लेन कर चुके हैं, मगर ये सब आया नहीं कि हम लोग को कोई इसमें स्कीम भी की कोई मैसेज नहीं है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे सर अपने क्षेत्र की जनता को मेरे चैनल के माध्यम से, जिन्होंने आपको सम्मानित किया है पंचायत समिति के रूप में और सेवा का अवसर दिया है?
वो तो है सर, सब उम्मीद करके बैठा हुआ रहता है जो हमको कोई, हमारा कोई अच्छा काम हो, हमको कोई चीज़ का लाभ मिले, इसीलिए आदमी कोई प्रतिनिधि को चुनता है। जी। मगर सरकार वैसे हम लोग को कोई इतना काम नहीं दिया है जो कोई जनता का हम लोग सेवा कर सके हैं, न कर पाए हैं अभी। तो हम लोग भी गुजारिश करते हैं जो हम लोग को सरकार कोई स्कीम दे, जो हम लोग कोई आदमी यहाँ की जनता को खुश कर पाए, उनके जो उनके मन में जो आपसे आशा थी उसको पूरा कर पाए, पूरा कर पाए हम लोग। धन्यवाद। अभी आप रूबरू हुए जिला पूर्णिया प्रखंड बायसी के ग्राम पंचायत राज मीनापुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 के वर्तमान पंचायत समिति सदस्य अब्दुल कलाम से, जिन्होंने अपने विचार से कानूनी यंग न्यूज चैनल को अवगत कराया।